इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस का परिभाषा क्या है, टेंस के कितने भेद होता है और टेंस के सभी भेदों का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि टेंस के बारे में जितना कुछ भी आपको पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और वो भी सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान तरीका से। जी हाँ, यदि आप टेंस के बारे में सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि इसी वीडियो को देखने के बाद टेंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और इसको आप कभी भी न भूले, तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको केवल शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखना है। जी हाँ, यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप टेंस के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखना है। जी हाँ, तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर टेंस कहते किसे हैं। देखिए, टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। ठीक, हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसे कहा जाता है काल। अब देखिए, इसका परिभाषा क्या है, तो यह समझिए। देखिए, किसी वाक्य में क्रिया के समय को बताने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं, तो किसी वाक्य में क्रिया के समय को बताने वाले शब्द को ही टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब होता है मुख्य रूप से समय से, और वो भी किसके समय से, तो क्रिया के समय से। जैसे मैं देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे क्या मालूम चल रहा है कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर यह मालूम चल रहा है ना आपको कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे समय के बारे में मालूम चल रहा है। यही तो है टेंस। ये अगला है कि मैं पढ़ा रहा था, इससे क्या मालूम चल रहा है आपको, इससे यह मालूम चल रहा है कि मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले बीते हुए समय में मैं आपको पढ़ा रहा था। उसके बाद अगला है कि मैं पढ़ाऊंगा। यह तीनों वाक्य को आप पढ़ते हैं तो इन सभी से क्या मालूम चलता है, अलग अलग समय के बारे में आपको मालूम चलता है। तो यही तो है टेंस, किसी भी वाक्य में क्रिया के जो समय को बताता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं टेंस। अब हम समझते हैं कि टेंस के कितने भेद होता है। तो देखिए, टेंस के ना मुख्य रूप से तीन भेद होता है। टेंस के कितने भेद होता है, तो टेंस के तीन भेद होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्यत्काल या भविष्यकाल। ठीक, तो इस तरह से टेंस के तीन भेद होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, और इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम एक एक करके यह जो तीनों टेंस के भेद हैं, इसके परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। देखिए, यहाँ पर वह पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर गलती से दिया गया था, केवल वह है, यहाँ पर लिखा गया है वर्तमान काल। ठीक, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। अब यह समझिए कि इसका परिभाषा क्या है। था देखिए, जब किसी कार्य के करने या होने का बोध वर्तमान समय में हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जब कोई कार्य वर्तमान समय में होता है तो उसे ही प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो इसका और भी आसान परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि जब कोई भी कार्य अभी के समय में होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। जैसे कि हो गया, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ से क्या मतलब निकलता है कि मैं अभी पढ़ता हूँ, मैं अभी वर्तमान में पढ़ रहा हूँ। ठीक, वह जा रहा है, वह जा रहा है से भी क्या मालूम चल रहा है, यह जो काम है जाना, यहाँ पर जो काम है पढ़ना, यह सब अभी हो रहा है। ठीक, तो इस तरह के जो कार्य होता है, जो अभी चल रहा होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। टेंस के दूसरा भेद है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। अब इसका परिभाषा समझिए। तो देखिए, जो घटनाएं पुरानी हो चुकी है, जिसका वर्तमान समय से कोई संबंध नहीं है, यानी कि जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, उसे ही पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि जो घटनाएं बीत चुकी है, पुरानी हो चुकी है, जो घट चुकी है, उसे ही पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता था, वर्षा हो रही थी, इससे क्या मालूम चल रहा है, वह पढ़ता था।
तो यहाँ पर यह जो पढ़ना का काम है यह बीत गया है, यह काम हो गया है, ठीक। वर्षा हो रही थी, इससे भी यह मालूम चल रहा है कि वर्षा जो है यह हो चुकी है, यानी कि खत्म हो गई है। तो जो घटनाएं पुरानी हो चुकी हैं, यानी कि जो घटनाएं बीत गई हैं, हो चुकी हैं, जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, उसे ही पास्ट टेंस कहते हैं। टेंस का तीसरा भेद है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्यकाल। अब हम यह समझते हैं कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, जब किसी कार्य के करने या होने का बोध आने वाले समय में होता है तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जब कोई कार्य के करने या होने का बोध यह मालूम चलता है कि वह कार्य होने वाला है या फिर होगा, वह आने वाले समय में होगा, यानी कि वह अभी होगा नहीं और बीता भी नहीं है, वह आने वाले समय में होगा, उसे ही कहा जाता है भविष्यकाल, यानी कि फ्यूचर टेंस। इसका परिभाषा एक बार और समझ लीजिए, जब किसी कार्य के करने या होने का बोध आने वाले समय में होता है उसे ही कहा जाता है फ्यूचर टेंस। जैसे कि मैं जाऊंगा, इससे क्या मालूम चल रहा है कि मैं आने वाले समय में जाऊंगा। मैं पढ़ाता रहूंगा, तो मैं आने वाले समय में पढ़ाता रहूंगा, ठीक। ये सबसे क्या मालूम चल रहा है कि यह सब घटनाएं जो है यह होने वाली है, अभी हुई नहीं है। देखिए, अभी तक हमने यह पढ़ा कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भेद होता है। तो टेंस के तीन भेद होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, टेंस के जो भी भेद होता है ना, उन सभी भेद का ना चार प्रकार होता है या चार भाग होता है, या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि टेंस के तीनों भेद के और चार चार भेद होता है, ठीक। तब देखिए, पहला होता है यह इनडिफिनिट टेंस। पहला क्या होता है, तो यह होता है इनडिफिनिट टेंस। यह क्या है, तो देखिए, ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता है उसे ही इनडिफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे में देखिए, मैं पढ़ता हूँ, यह प्रेजेंट टेंस का भाग है, मैं पढ़ता हूँ, इसमें समय का कोई निर्धारण नहीं है। उसके बाद अगला है कि वह पढ़ता था, इसमें भी समय नहीं दिया गया है, यह पास्ट टेंस का है। उसके बाद तीसरा है वह पढ़ेगा, यह फ्यूचर टेंस का। यह सब क्या है, यह सब इनडिफिनिट टेंस है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए, यह ऐसा वाक्य होता है ना जिसमें काम चल रहा होता है उसे ही कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, यह सब क्या है, यह सब प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद अगला है कि मैं पढ़ रहा था, यह पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस है। उसके बाद अगला है कि मैं पढ़ता रहूंगा, यह फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस है, ठीक। देखिए, टेंस के तीन भेद होता है और इन तीनों भेद के चार चार भेद होता है। तो पहला हमने पढ़ लिया है इनडिफिनिट होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो इस तरह से होता है, देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा है परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में ना काम खत्म हो चुका होता है। जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, यह प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस है। उसके बाद दूसरा है वह जा चुका था, यह पास्ट टेंस का परफेक्ट टेंस है। उसके बाद अगला है कि मैं पढ़ चुकूंगा, यह फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस है। इन सब से क्या मालूम चलता है, इन सब से यह मालूम चलता है, यह सब जो भी काम है, पढ़ना जाना, यह सब हो गया है, ठीक। इसका चौथा प्रकार होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में काम हो भी चुका रहता है और जारी भी रहता है। जैसे कि मैं पढ़ता रहा हूँ, यह प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद अगला है कि मैं पढ़ता रहा था, यह पास्ट टेंस में है। उसके बाद अगला है कि मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, यह फ्यूचर टेंस में है। और यह सब कौन सा टेंस है, यह सब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अभी हमने यह जाना कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होता है और टेंस के तीनों प्रकार के चार चार भेद होता है या चार चार प्रकार होता है। तो वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि सभी टेंस के चार प्रकार होता है। जैसे मैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्रेजेंट टेंस का, तो देखिए, यह मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है। इसका यह चार प्रकार है, कौन कौन सा है, तो देखिए, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, यह पहला प्रकार हो गया। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यह दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह तीसरा प्रकार हो गया। और चौथा प्रकार क्या है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से क्या है, इस तरह से सभी टेंस के चार प्रकार होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर तो मैं केवल प्रेजेंट टेंस का चारों प्रकार लिखा हूँ, अभी दो बाकी है ना, अभी पास्ट टेंस बाकी है और फ्यूचर टेंस बाकी है, तो उसका आप लोगों को लिखना है चारों प्रकार। वह किस तरह से लिखेंगे तो देखिए, यहाँ सब यह जो है ना इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह सभी टेंस में लगेगा, केवल यहाँ वाला बदल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रेजेंट के जगह पर पास्ट रख देंगे आप, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि प्रेजेंट के जगह पर फ्यूचर रख देंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो काला अक्षर में लिखा हो ना, इसको आपको केवल हटा देना है और इसके जगह पर एक बार लिखना है पास्ट, और यह सब ज्यों का त्यों इसी तरह से रहेगा। तीन चारों जगह पर आपको पास्ट लिखना है और यह सब ब्लू वाला सब उसी तरह से रहेगा, तो पास्ट टेंस का चारों भाग बन जाएगा। उसके बाद एक बार आप लोग लिखिएगा फ्यूचर यहाँ पर, और यह सब उसी तरह से रहेगा, तो फ्यूचर टेंस का चारों भाग बन जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर टेंस के कितने भाग होता है, तो टेंस के कुल भाग होता है 12। या यूं कहे कि कुल मिलाकर टेंस कितने प्रकार के होता है, तो यह होता है 12 प्रकार के।